आज हम इस तरह की मोती माला जी बनाने वाले हैं। ये माला जी बनाना बिल्कुल आसान है और ये बहुत ही सुंदर लगती है। तो ये माला जी बनाने के लिए हमें बहुत ही कम मटेरियल यूज़ होगा और आसानी से बन भी जाएगी। तो इसे बनाने के लिए इस तरह के वाइट मोती लेंगे और इस तरह के रेड मरून कलर के मोती लेंगे, चेको मोती। अब हम सबसे पहले व्हाइट मोती लेंगे, हम चार व्हाइट मोती लेंगे पहले, इस तरह से। और जो हमारा पहला मोती है उसमें से हम सुई निकालेंगे और फिर जो पास वाला दूसरा मोती है उसमें से सुई निकालेंगे, इस तरह से। और फिर से साइड वाले मोती में हमें बीच वाले मोती तक सुई निकालनी है। अब हम फिर से व्हाइट मोती लेंगे तीन, और जो जिस मोती में हमारी सुई है उसी में से हम फिर से सुई निकालेंगे, इस तरह से। हमने पहले चार लिए थे, अब हम तीन तीन मोती लेंगे और इस तरह से उसके भी साइड वाले मोती में से निकल के बीच वाले मोती तक आ जाएंगे, इस तरह से। फिर से तीन मोती लेंगे और उसी मोती में से सुई निकालेंगे, जो ऊपर वाला मोती है उसमें से भी निकलेंगे और जो साइड वाला मोती है उसमें से भी सुई निकालेंगे, इस तरह से। फिर से हम तीन व्हाइट मोती लेंगे हमें सेम प्रोसेस से तीन तीन व्हाइट मोती लेने हैं और आगे वाला जो मोती होता है उसमें से हमें निकलना है, इस तरह से। दो मोती में से सुई पसार करनी है और बीच वाले मोती तक आना है। तो इस तरह से हमें बीच वाले जो मोती है वो 11 मोती आ जाए तब तक बनाना है। अब हमें माला जी का बीच वाला भाग बनाना है, उसके लिए पे हमें चार व्हाइट मोती चाहिए। चार व्हाइट मोती लेंगे इस तरह से, और जो हमारा जिस मोती में से हमारी सुई निकली हुई थी उसी में से फिर से सुई निकालेंगे, तो इस तरह से राउंड शेप बनेगा। अब जो चार मोती हमने लिए थे वो चारों मोती में से हमें सुई निकालनी है, इस तरह से। जिससे हमारा माला जी का बीच वाला पार्ट बन गया। अब हम फिर से तीन व्हाइट मोती लेंगे इस तरह से, तीन व्हाइट मोती लेके जिस मोती में हमारी सुई है उसी में से निकालेंगे, जिससे हमारा माला जी का दूसरी साइड का पार्ट बनना शुरू हो जाएगा। फिर हम साइड वाले मोती में से और जो सेंटर वाला मोती है उसमें से सुई निकाल लेंगे, इस तरह से। अब फिर से तीन मोती लेंगे और जैसे हमने सामने की साइड बनाई थी वैसे ही सेम प्रोसेस से बीच वाले मोती में से निकल के साइड वाले दो मोती में से सुई निकालेंगे, इस तरह से। तो अब हमें दूसरा पार्ट बीच वाले 11 मोती आ जाए तब तक कंप्लीट करना है। तो हमारा दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम जो हमारा व्हाइट मोती जिसमें सुई है उसमें से निकल के वापस इस तरफ आ जाएंगे। अब हम रेड मोती लेंगे पांच, और एक व्हाइट मोती छोड़ के दूसरे में से सुई निकालेंगे, इस तरह से।
जो हमारी वाइट मोती के नीचे वाली लाइन है उसके एक मोती छोड़ के एक में से सुई निकलेगी। फिर से पांच वाइट मोती लेंगे, और एक मोती छोड़ के दूसरे में से सुई निकालेंगे। फिर से एक मोती छोड़ के दूसरे में से निकल जाएंगे पांच डेढ़ मोती लेके। इस तरह से तो इस तरह से हमें आगे लाइन बनती जा रही है। अब हम फिर से पांच रेड मोती लेंगे और आगे वाले मोती में से निकलेंगे। तो इस तरह हमारी माला जी की डिज़ाइन बन रही है। अब हम एक रेड मोती लेंगे और बिना मोती छोड़े आगे वाले वाइट मोती में से निकलेंगे। इस तरह से जब हम एक मोती ले तब हमें वाइट मोती छोड़ना नहीं है। फिर से एक मोती लेंगे और जो हमने माला जी का राउंड शेप वाला बीच वाला भाग बनाया था वहाँ पे आ जाएंगे। इस तरह से वहाँ से सुई निकाल देंगे। अब जो हमारा वाइट मोती है उसमें सुई है वहाँ पे हम चार रेड मोती लेंगे इस तरह से, और उसी मोती में से दूसरी साइड से निकलेंगे। इस तरह से हम जिस मोती में है उसी में से दूसरी साइड से निकलेंगे। तो इस तरह से हमारे चार मोती वहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। फिर हम ऊपर वाला जो वाइट मोती है उसमें मोती लेंगे, वहाँ पे हमें तीन लेने हैं और उसी मोती में से दोबारा निकलना है। इस तरह से अब जो हमने तीन रेड लिए थे उसमें एक रेड में से निकल के फिर से चार रेड मोती लेने हैं, और दूसरी साइड वाला रेड है उसमें से निकलना है। इस तरह से अब जो हमारा वाइट मोती आएगा उसमें हम सुई लेंगे। और जैसे हमने सामने की साइड चार रेड मोती लिए थे वैसे ही चार रेड मोती लेंगे और उसी वाइट मोती में से फिर से निकलेंगे। अब हम दूसरी साइड बनाएंगे, फिर से एक रेड मोती लेके एक वाइट मोती में से निकलेंगे। फिर से एक रेड मोती लेंगे और आगे के वाइट मोती में से निकलेंगे। फिर से हम पांच रेड मोती लेंगे और एक मोती छोड़ के आगे वाले मोती में से निकलेंगे। इस तरह से हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। और लास्ट में हम गांठ लगा के धागा कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी माला जी तैयार है। हमारी माला जी बहुत ही खूबसूरत बनी है और इसे बनाना भी बिल्कुल आसान है और बहुत ही कम मटेरियल यूज़ करके हम इसे बना सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।